प्रिय भक्तों, ये कथाएं हमें यही शिक्षा देती हैं कि जब भी हम पर भगवान की असीम कृपा प्राप्त हो तो हमें उस कृपा से जन जन का हित करना चाहिए। भगवान का उपकार मानते हुए दीन दुखियों की मदद करनी चाहिए, तब वो कृपा तुम्हें तार देगी, तुम्हारे जन्म जन्मांतरों को सफल बना देगी। और यदि उस कृपा को अहंकार बना लिया तो वही अंत होगा जो दुष्ट दैत्य महिषासुर का हुआ था, मूर का हुआ था। स्वामी जी, आपने जो भी कहा उसमें कोई संदेह नहीं, पर एक प्रश्न पूछने की इच्छा हो रही है। हाँ हाँ बेटी, अवश्य पूछो। स्वामी जी, यहाँ प्रचलित माता वैष्णो देवी की कथा, ये तीर्थ स्थान लगभग 700 साल पहले प्रकाश में आया, तो मूर राक्षस को मारने वाली माता वैष्णवी शक्ति और ये यहाँ की माता वैष्णो देवी, क्या एक ही माता है? हाँ बेटी, जब आदि काल में मूर राक्षस को माता वैष्णवी शक्ति ने मारा तो सृष्टि का आरंभिक काल होने के कारण ये पावन त्रिकुट पर्वत एक निर्जन स्थान था और युगों युगों तक निर्जन ही बना रहा, परंतु माता वैष्णवी शक्ति तो यहां सदा से ही विराजमान है। फिर कलयुग में पाप ताप से थके हारे मनुष्यों का उद्धार करने के लिए माता वैष्णवी शक्ति ने माता वैष्णो देवी का रूप लेकर आज से लगभग 700 वर्ष पहले श्रीधर पंडित और उसकी पत्नी सावित्री के घर में अलौकिक चमत्कार दिखाकर इस स्थान को पूरे विश्व में प्रसिद्ध कर दिया। स्वामी जी, श्रीधर और सावित्री के जीवन में घटे चमत्कार की कथा, मेरा मतलब माता वैष्णो देवी की कथा, कृपया बताने का कष्ट करें। बेटी, ये भक्ति बढ़ाने वाली कथा ध्यान से सुनो। जम्मू कश्मीर की सुरमई पर्वत मालाओं के मध्य हंसाली नामक एक ग्राम था, जहां पंडित श्रीधर और उसकी पत्नी सावित्री रहते थे। उर्वारुकमिव बंधनान मृत्युर्मुक्षीयमामृतात् ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम सूर्य देव सहस्रांशो तेजो राशि जगतपते अनुकंपये माम भक्त्या ग्रहणार्घ दिवाकर। ओम सूर्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम आदित्याय नमः। स्वामी, उठो सावित्री। प्राणनाथ, आपके लिए जलपान की व्यवस्था कर दी है, गौ पूजन के बाद जलपान करना ना भूलें। भाग्यवान, हमारा विवाह हुए 12 वर्ष बीत गए हैं, लेकिन एक दिन भी ऐसा नहीं बीता जब पनघट पर जाने से पहले बच्चों की तरह तुमने हमें ये पाठ ना पढ़ाया हो। जब पतिदेव को पूजा पाठ के आगे अपनी सुधी ना रहे तो ये पाठ पढ़ाना हर पत्नी का धर्म हो जाता है।
अरे रूपा, अब तेरी सासू माँ की तबीयत कैसी है रे? माता की कृपा से वैद्य जी के दवा ने जादू का असर किया है, अब तो एकदम से ठीक हो गई हैं। अरे वो तो पनघट पे आने की जिद कर रही थी, वो तो मैंने ही मना कर दिया। अरे रूपा एक बात बोलूं? हाँ हाँ बोलना। रूपा धीरे धीरे अपने सारे काम का बोझ अपने सास ननद के ऊपर डालना शुरू कर दे। तू गर्भवती है, इतना सारा काम, इतना बोझा उठाना तेरे लिए ठीक नहीं और तेरे होने वाले बच्चे के लिए भी ठीक नहीं है। अच्छा अब मैं चलती हूँ, मुन्ने को पाठशाला भी तो भेजना है। अरे सावित्री बहन कैसी हो तुम? ठीक हूँ गौरी। अच्छा चलती हूँ, राम राम। अच्छा कैसी हो रूपा? माता की कृपा है। अरे ओ गोमती बहन, इधर आके मेरा घड़ा तो उठवा दे। क्या मैं तेरे पास आऊं? तेरे पास तो सावित्री बैठी है, उससे कह वो घड़ा उठवा देगी। अरे ओ बिमला, जरा इधर आके मेरा घड़ा तो उठवा दे। तेरी भी मत मारी गई है, सावित्री तेरे निकट बैठी है और तू मुझसे कह रही घड़ा उठा के देने के लिए। ओ सावित्री, रूपा का घड़ा उठा के दे दे। लाओ रूपा, मैं उठाने में मदद कर देती हूँ। क्षमा करें सावित्री बहन, आप मेरे घड़े को हाथ मत लगाना, मुझे चौथा महीना चल रहा है। मैं नहीं चाहती कि मेरे घर पर आपकी परछाई पड़े। क्यों, मेरी परछाई को क्या हो गया? मेरी सास ने मुझे बताया है कि गर्भवती स्त्रियों को कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे मुर्दे के दर्शन नहीं करने चाहिए, ठोकर से बचना चाहिए और साथ में ये भी कहा है कि बांझ स्त्री की तो छाया से भी दूर रहना चाहिए। आपको ब्याहे 12 बरस हो गए हैं मगर अभी तक आपकी गोद नहीं भरी। मेरी सास कहती है कि आप बांझ हैं, बांझ। नमो दिव्ये महादेव्ये शिवाये सत्तन नमः, नमः प्रकृते भद्राये नियतः प्रणतः स्मिताम्, रुद्राये नमो नित्याये गौर्ये धात्रे नमो नमः, ज्योत्स्नाये चंद्ररूपिण्ये सुखाये सततं नमः, कल्याणे प्रणतां वृद्धे सिद्धेर कुर्मो नमः नमः, नैऋत्रे भूव्रतां लक्ष्मे सर्वान्नेते नमो नमः, दुर्गाये दुर्गपाराये साराये सर्वकारिण्ये ख्याते तथैव कृष्णाये धूम्राये सततं नमः, श्रुति सौम्याति रुद्राये। सावित्री दरवाजा खोलो, सावित्री, सावित्री, सावित्री दरवाजा खोलो, सावित्री दरवाजा खोलो, सावित्री क्या हुआ? सावित्री दरवाजा खोलो। क्या बात है सावित्री, इतना क्यों रो रही हो? कोई अमंगल समाचार मिला है? हाँ, सब अमंगल है, इस घर में मंगल है ही क्या? आपका पूजा पाठ नेम धेम सब झूठ है, सब झूठ। हमने पुतों का जीवन
अमंगल नहीं तो और क्या है सावित्री? भाड़ में गई सावित्री, पांच कह कह के लोगों ने मेरे कान पका दिए। बोलो क्या अपराध है मेरा, क्या अपराध है? इसमें तुम्हारा कोई अपराध नहीं सावित्री, ये तो बस भाग्य का खेल है। सावित्री तुम इस अभिशाप के नाम पर रो तो लेती हो, पर मैं अभागा तो रो भी नहीं सकता। परदेश जाने वाले लोग मुझे देखकर मार्ग बदल लेते हैं, जैसे किसी बिल्ली ने मार्ग काटा हो। कल ही की तो बात है, मैं दूल्हा दुल्हन आ रहे थे, लोगों ने मुझे अपशगुन समझकर मार्ग से हटा दिया। क्या क्या नहीं होता मेरे साथ। सावित्री हम बंजर भूमि के सूखे पेड़ हैं, और सूखे पेड़ पर तो पक्षी भी डेरा नहीं डालते। इतने पोथी पत्रे पढ़ते हो, बड़े शास्त्री बने फिरते हो, क्या आपके ग्रंथों में इस अभिशाप का कोई उपाय नहीं? तो जला दो इन्हें, फाड़ डालो, नदी में बहा दो। ऐसा नहीं कहते सावित्री, यह सद ग्रंथ है और ये यही कहते हैं, जैसा बोया है वैसा ही काटोगे। ये सब कर्मों का फल है सावित्री।